गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। बेटा मैंने आप लोगों को मैथ्स में एक्सरसाइज 5.4 करवा रही थी मैं, ठीक है। इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तो आपको करवा दिया था, जिसकी पीडीएफ और वीडियोस आपको ऑलरेडी सेंड हो चुकी है। अब क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक मैं आपको वापस समझा दूँगी, साथ ही साथ हम एक्सरसाइज 5.5 के भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है, व्हाट मस्ट बी एडेड टू 8,95,200 टू मेक 1,000,000। मैंने आपको लाइव क्लास में भी समझाया था कि 1,000,000 इक्वल्स टू 10 लैक्स, ठीक है। तो अब जब हमें पता चल गया है कि 1,000,000 इज़ इक्वल्स टू 10 लैक, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखो हमसे पूछा गया क्या कि हम 8,95,200 में कितना ऐड करें, कितना मिलाए तो हमारे पास 10 लाख बन जाएगा, 10 लैक्स बन जाएंगे, ठीक है। तो देखो 1,000,000 इक्वल्स टू 10 लैक्स, और हमें चाहिए एक ऐसा नंबर जिसको कि मैं इसमें ऐड करूं, 8,95,200 में ऐड करूं, ताकि जब ऐड करूं तो वो टोटल कितना बन जाए, 10,000,000 बने। तो ये पता लगाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने 10 लाख में से, यानी कि 1,000,000 में से कितने माइनस कर दिए, 8,95,200 मैंने माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरा आंसर आया 1,04,800, ठीक है। तो मुझे पता चल गया कि अगर मैं 8,95,200 में 1,04,800 ऐड करूँगी तो मुझे कितना मिल जाएगा, 1,000,000, या फिर कह दो 10 लाख मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है, व्हाट मस्ट बी एडेड टू 85,543 टू गेट 90,080। अब ये हमसे वापस देखो सेम ऊपर जैसा, ऊपर वाले जैसा क्वेश्चन है कि मैं 85,543 में कितना ऐड करूं तो वो 90,080 बन जाए। तो ये पता लगाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने 90,080 में से 85,543 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया। माइनस करने पे मेरा आंसर कितना आया, 4,537। तो मुझे पता चल गया कि अगर मैं 4,537 को ऐड कर दूँ 85,543 में, इन दोनों को जब मैं नीचे वाले दोनों को ऐड कर दूँ, तो मेरा आंसर 90,080 आ जाएगा, ठीक है। तो ये किया। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 8 था, शबीर परचेज्ड अ हाउस फॉर ₹94,785। शबीर ने एक घर खरीदा 94,785 में। ही सोल्ड इट फॉर ₹96,800। और कितने में बेच दिया शबीर ने अपने घर को, उसने 96,800 में बेच दिया। 94,785 में ख़रीदा और 96,800 में बेच दिया। हाउ मच मोर मनी डिड ही गेट, तो अब उसको कितने ज़्यादा रुपए मिले। देखो ये तो आपको पता चल रहा है, 94,000 समथिंग में ख़रीदा है और 96,000 समथिंग में बेचा है, इसका मतलब फ़ायदा तो हुआ है, क्योंकि 94 से बड़ा होता है 96, है ना। तो अब ये पूछ रहे हैं कि कितना ज़्यादा उसको फ़ायदा हुआ, कितने ज़्यादा उसको पैसे मिले। तो देखो ख़रीदा इतने में और बेचा इतने में, तो अपन इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो ये देखो 96,800 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया कितना, 94,785। तो सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर कितना आया, 2,015। तो ये हमारा आंसर हो गया कि इतने रुपीज़ उसको ज़्यादा मिले, ठीक है। तो ये हो गया 8th क्वेश्चन। अब देखो 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन में हमसे कहा गया, अमन हैड ₹99,999। अमन के पास कितने रुपए हैं, 99,999 रुपीज़ हैं उसके पास। ही परचेज्ड अ मारुति कार फॉर ₹80,000। तो फिर उसने क्या किया, 99,999 में से उसने 80,000 का तो क्या ख़रीद लिया, मारुति कार ख़रीद लिया। हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विथ हिम, अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं। तो देखो पहले कितने थे, 99,999, और उसमें से उसने मारुति कार कितने का ख़रीदा, 80,000 का ख़रीदा। तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि उसके पास अब कितने मनी बाकी हैं, ठीक है। तो जब मैंने सब्ट्रैक्शन किया तो आंसर आया 19,999। तो इतने रुपीज़ उसके पास बाकी हैं, तो हमारे पास आंसर आ गया रुपीज़ 19,999, जो कि हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस तरह बेटा हमने 5.4 कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो 5.4 हमारा कंप्लीट हो गया। 5 तक क्वेश्चन नंबर 1 to 5 मैं आपको ऑलरेडी सेंड कर चुकी थी, और 6 to 9 मैं आपको अभी सेंड कर रही हूँ। साथ ही साथ बेटा मैं आपको एक्सरसाइज 5.5 के भी क्वेश्चंस भेज रही हूँ, है ना, 1 से लेकर 8 तक, यहाँ तक के क्वेश्चंस मैं भेज रही हूँ। बाकी क्वेश्चंस हम लाइव क्लास में करेंगे। 1 to 8 मैं अभी आपको सेंड कर रही हूँ। देखो इसमें क्या था,
इसमें ये था सिंप्लीफाई करना था आपको 9 - 3 + 4, यानी कि देखो पहले 9 - 3 है तो हम क्या करेंगे, पहले 9 में से 3 को माइनस कर देंगे। तो मैंने जब 9 में से 3 को माइनस किया तो कितना आंसर आया, 6। अब जो आंसर आया उसमें हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे 4। तो हमारा आंसर कितना आया था, 6। तो मैंने यहाँ लिख दिया 6, और कितना प्लस करना है, 4 प्लस करना है। तो मैंने लिख दिया प्लस 4, और 6 + 4 कितना होता है, 10। तो 10 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, जैसा जैसा हमें यहाँ पर कहा गया हम वैसा वैसा करते जाएंगे। अब सेकंड क्वेश्चन में देखो, हमें सबसे पहले प्लस करना है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हमें 91 में प्लस करना है कितना, 99। तो ये देखो मैंने 91 में 99 प्लस किया तो कितना आया, 190 आया। अब जो आया उसमें से मैंने मुझे माइनस करना है कितना, 39 माइनस करना है। तो ये देखो मैंने 190 में से 39 को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरा आंसर आ गया 151। ठीक है, यहाँ देखो थर्ड क्वेश्चन में 627 में मुझे पहले तो प्लस करना है 319। तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, 627 में मैंने प्लस कर दिया 319, तो मेरा आंसर कितना आया, 946। अब इस 946 में से, ये जो मेरा आंसर आया है ना 946, इसमें से मुझे कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 718 सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो मेरा आंसर आया उसको मैंने ऊपर लिख दिया 946, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कितना करना था, 718। तो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरा आंसर आ गया 228। ठीक है, तो ये हो गया 1, 2, 3 क्वेश्चन। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में भी देखो 937 में पहले प्लस करूँगी कितना, 4053। तो मैंने 937 में 4053 प्लस किया तो मेरा आंसर आया 4990। अब इस 4990 में से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, देखो सब्ट्रैक्ट का साइन है, माइनस का साइन है, तो माइनस करना है कितना, 1013 को। तो ये देखो मैंने 4990 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया 1013 को, तो मेरा आंसर आ गया 3977। ठीक है, यहाँ देखिए 937 में से माइनस करना था पहले 213, तो 937 में से 213 को माइनस किया तो आंसर आया 724। अब इस 724 में, अब देखो यहाँ साइन किसका है, प्लस का है, ध्यान देना है आपको, है ना, यहाँ प्लस का साइन है। तो आप क्या करोगे, आप 724 में प्लस कर दोगे कितना, 2043 को। तो हमने भी प्लस कर दिया 2043 को, हमारा आंसर आ गया 2767। ठीक, ऐसे ही आपको इसमें भी करना है, आगे भी सारे आपको सेम करने हैं। ठीक है, तो ये सारा सॉल्यूशन मैंने आपके लिए कर दिया है, लेकिन बेटा इनके प्रैक्टिस आपको भी करनी है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि आप इसमें से देख रहे हैं और बस नोट कर रहे हैं, आपको ये सब खुद प्रैक्टिस करना है। कि देखो जैसे अब यहाँ पर दोनों में माइनस था तो हमने दोनों बार माइनस ही किया है। ठीक है, यहाँ पहले माइनस था फिर प्लस था तो हमने भी पहले माइनस किया है फिर प्लस किया है। तो इन चीज़ों को, ये छोटी छोटी चीज़ों को आपको देखना होगा कि साइन कौन सा है, और उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना होगा। ठीक है, तो ये सॉल्यूशंस मैंने आपको, आपके लिए कर दिए हैं 5.4 के भी और 5.5 के क्वेश्चन नंबर 8 तक। ठीक है, यहाँ तक आप अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लेंगे जितना वर्क मैं आपको सेंड कर रही हूँ, और अगर पहले का वर्क नहीं किया है तो आप पहले का वर्क भी कंप्लीट कर लेना। फिर जब हम अपने नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जब हमारी मैथ्स की क्लास होगी, तब मैं आपको 5.5 के क्वेश्चन नंबर 9 से करवाऊँगी। ठीक है, मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए। ठीक है, बाय।